सिंध पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अमले ने कराची के इलाके गुलस्तान जौहर से कालादम तंजीम के एक रकन को गिरफ्तार किया है। मुलजिम पर कराची की तर्ज पर हैदराबाद में भी चाइनीज डॉक्टर को टारगेट करने की साजिश का इल्जाम है। सीटीडी के तर्जमान की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक सीटीडी ऑपरेशन 2 के अमले ने गुलस्तान जौहर में कामरान चुरंगी के करीब कार्रवाई के दौरान कालादम दहशतगर्द तंजीम SRA के रकन मोहम्मद अफजल लोन उर्फ आफी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से एक पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सीटीडी के तर्जमान के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो जर्मनी में जलावतन तंजीम के सरबराह जुल्फकार खास खेले उर्फ सफीर से बराए रास्त रबते में है। मुलजिम के मुताबिक खास खेले इसके माली मावनत कर रहा है, जिसकी जानिब से भेजे गए पैसों से मुलजिम ने मोटरसाइकिल और असला खरीदा है। मुलजिम के मुताबिक जुल्फकार खास खेले ने उसे हैदराबाद में चाइनीज डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर को कत्ल करने का टारगेट दिया था। मुलजिम ने मस्कुरा डॉक्टर की रैकी भी मुकम्मल कर ली थी, ताहम मनसूबे पर अमल दरामद करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कराची के इलाके सदर में चाइनीज डेंटल क्लिनिक पर टारगेटेड कार्रवाई करने वाले मुलजमान का साथी है, जिससे मजीद तफ्तीश की जा रही है।